hello my dear friends my name is ranjeet hopefully friends you all are doing very well let's discuss next one of the latest topics of ielts speaking part 1 namely news let's commence with the first question related to this topic of ielts speaking part 1 namely news that is are you interested in news

वैन इट कम्स टू जब न्यूज़ की बारी आती है आई इन्जॉय लर्निंग अबाउट करंट इवेंट्स मैं इन्जॉय करता हूँ लर्न करना इनके बारे में करंट uh, इवेंट्स uh, के बारे में ओके okay, जानना मुझे अच्छा लगता है इन्जॉय करता हूँ एंड अंडरस्टैंडिंग और उन्हें अंडरस्टैंड करना उनके इम्पैक्ट को ओके okay, उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके सो इन्जॉय लर्निंग अबाउट करंट इवेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट इट हेल्प्स मी नॉट ओनली स्टे अपडेटेड ये मेरी हेल्प करता है ना केवल अपडेट रहने में स्टे अपडेटेड अपडेटेड रहने में ओके बट ऑल्सो एंगेज इन डिस्कशंस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बैटर बट ऑल्सो ये मेरी हेल्प करता है किस में एंगेज होने में शामिल होने में किस में कॉन्वर्जेसन में जो डिस्कशंस हो और उसमें एंगेज होने में एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करने में समझने में क्या वर्ल्ड को बैटर नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन दैट इज हाउ डू यू यूजअली फाइंड न्यूज़ आई यूजअली फाइंड न्यूज़ थ्रू अ वाइटी ऑफ सोर्सेज आई यूजअली यूजअली फ़ाइंड करता हूँ न्यूज़ को थ्रू किसके द्वारा अवराइटी ऑफ सोज के द्वारा साधनों के द्वारा लाइक न्यूज़ पेपर्स टेलीविज़न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स बाई डूइंग सो ऐसा करके आज के वेल इंफॉर्म्ड वेल इन्फॉर्म्ड मेरे पास इंफॉमेशन आती है वेल well इन्फॉर्म्ड रहता हूँ एंड रेडी टू डिस्कस द लेटेस्ट हैपनिंग्स जो लेटेस्ट ओके हैपनिंग हैपनिंग्स जो हो रही हैं ओके सराउंडिंग में लेटेस्ट हैं जो ताज़ा बातें हो रही है करंट इवेंट्स ओके जो भी बातें हो रही है सो so उसके बारे में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी होता हूँ ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ हाउ डू योर फ्रेंड्स गेट न्यूज़ माई फ्रेंड्स कीप अप विद द न्यूज़ थ्रू मल्टीपल मैथड्स मल्टीपल काफ़ी सारे मैथड्स के द्वारा वो न्यूज़ मिलती है मेरे फ्रेंड्स को कीप अप विथ वो उसके साथ अपडेट रहते हैं ओके okay? न्यूज़ के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये न्यूज़ थ्रू मल्टीपल मैथड्स मैथड्स वेज जहाँ फिर आप बोल सकते हो सम आर ग्ल्यू टू सोशल मीडिया फॉर दिस पर्पज़ कुछ चिपके रहते हैं सोशल मीडिया के साथ ओके okay? स्टिक रहते हैं इस परपज़ के लिए न्यूज़ न्यूज़ गेट करने के लिए अदर्स प्रफर टू ब्राउज दूसरे जो है सर्च करते हैं जो न्यूज़ एप्स हो और वेबसाइट्स हो अ फ्यू रिलाई ऑन रिलाई डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करते हैं वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग जो ट्रेडिशनल तरीके हैं इंफॉर्मेशन गेट करने के इन्फॉर्मड होने के गेटिंग इन्फॉर्म सच एज वॉचिंग टी वी एंड रीडिंग न्यूज़ पेपर दज इस तरह से दे हैव डिफरेंट प्रेफर्ड वेज इस तरह से उनके अपने प्रेफर किए हुए अलग अलग वेज हैं मैथड्स हैं टेक्निक्स हैं ऑफ़ स्टेइंग इन द लूप मीन्स क्या स्टेइंग अपडेटेड अपडेट Update रहने के क्या नॉलेज uh, गट करने के इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहने के क्या अलग अलग प्रफर्ड वेज हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू रेड द न्यूज़ दिस मॉर्निंग यस आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ आर्टिकल अबाउट अ डे लाइट ड्रॉपरी इन द नेबरहुड येस आई केम अक्रॉस केम अक्रॉस कम अक्रॉस ये फ्रेजल वर्ब है इट मीन्स इफ यू फाइंड समथिंग बाई चांस फाइंड समथिंग और सम वन बाई चांस एक्सीडेंटली आपको किसी चीज़ का किसी पर्सन का मिलना ओके सो न्यूज़ आर्टिकल को आई के एमक्रोज अ न्यूज़ आर्टिकल अबाउट आ डे लाइट दिन दिहाड़े जो रॉबरी लूट हुई थी इन द नेबरहुड नेबरहुड में उसके बारे में आई केम अक्रॉस इट uh, सीम्स ऐसे लगता था प्रतीत होता था द थीव्स मेड ऑफ़ विद अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश एंड vanished बिफोर द पुलिस राइट सो ऐसा लगता है उसमें कि थीव्स जो थीव्स थे वो मेड ऑफ विद अ सब्सटेंशियल मीन्स काफ़ी हद तक जो क्या था कैश था ओके मेड ऑफ विद उसको लेकर वो भाग गए ओके एंड vanished या फिर डिसअपियर्ड ओके okay, लुप्त हो गए और उन्होंने मेड ऑफ विद अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश जूस उन्होंने स्टील चोरी किया एडमिनिस्ट बिफोर बिफोर द पुलिस अराइव पुलिस के आने से पहले दिस हैज़ मेड एवरी वन हेयर वेरी वर्ड इसने सब किसी को वहाँ पर हर किसी को वरिड चिंतित बना दिया था इट इज अ रिमाइंडर ये रिमाइंडर है दैट वी शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन एवरी सस्पिशियस एक्टिविटीज सो एक ये हमें रिमाइंड करवाता है रिमाइंडर था कि हमें क्या रहना चाहिए अब कीप ऑन कीप एन आई ऑन इट मीन्स के आँख रखनी चाहिए इट मीन्स के uh, क्या होना चाहिए वेरी केयरफुल ओके हर किसी जो सस्पिशियस uh, जो थोड़ा शक वाली okay? स्थिति हो उसमें एक्टिविटी हो तो उसमें क्या एवरी हर एक उस पर क्या निगाह रखनी चाहिए क्या केयरफुली केयरफुल uh, होना चाहिए अलर्ट होना चाहिए सो ड्यूरिंग आर अनसर्टन टाइम्स जो ये स्केर टाइम जो ये अनसर्टन जिसके बारे में पता नहीं है उसके उस टाइम के दौरान ना दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज़ डू ऑफन टॉक विद योर फ्रेंड्स अबाउट द न्यूज़ अब्सल्यूटली जहाँ फिर डेफिनेटली अफकोर्स अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है जहाँ फिर विदाउट एनी डाउट एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ है ओके my friends definitely my friends and i chew the fat chew the fat it means a uh, chat क्योंकि okay, चैट करनी टॉक कॉन्वर्शेट बातें करनी अबाउट करंट इवेंट्स करंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कॉन्वर्शेट करते हैं उसके बारे में चैट टॉक ओके बातें करते हैं इट्स अ वैल्यूएबल वे फॉर अस ये एक अच्छा गुड या फिर वंडरफुल आप बोल सकते हैं या फिर गुड वे ओके अच्छा तरीका है क्या करने का फॉर अस हमारे लिए टू स्टे इन्फॉर्म्ड अप टू डेट अपडेटेड इन्फॉर्म्ड रहने का इन्फॉर्मेशन गेट करने का एंड एक्सचेंज व्यू पॉइंट्स या फिर ओपिनियंस आप बोल सकते हो शेयर करने का अपने आप जो अपने व्यू पॉइंट्स हैं परस्पेक्टिव है वो ऑन वाइटल इशूज जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इशूज़ हैं इंपॉर्टेंट इशूज हैं उनके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज करने का एडिशनली इसके अलावा सॉरी बाय स्पेंडिंग प्रेशियस मूवमेंट्स इसके अलावा ये क्या अपने जो प्रेश कीमती है कीमती हैं जो मोमेंट्स हैं उनके साथ स्पेंड करके अपने बडीज़ के आई कैन स्ट्रेंदन माई रिलेशनशिप विद एम अपने जो रिलेशनशिप को उनके साथ स्ट्रेंदन कर सकता हूँ मजबूत कर सकता हूँ कर सकती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग